Assalamu alaikum everyone, this is our lecture number 75 on vectorization of algebraic expression. Or ye thoda sa straightforward problem type ka isko dekhte hain kya question hai ki if x is 5 x ki value aapko already de rahe hain 5 hai is the solution of the equation this equation hai x square minus 8x plus 10 is equals to 0 wo kehte hain ki agar x ki value hai 5 theek hai एक्स की वैल्यू 5 है तो क्या करना है आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं एक एक्स नज़र आ रहा है और एक एच नज़र आ रहा है वो कहते हैं एक्स की वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एच फाइंड द अदर सॉल्यूशन ओके फाइन द इक्वेशन दैट्स ट्रू अच्छा अब आपने करना क्या है यू नीड टू पुट दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए What you need to do, you need to put value of x 5 in equation A. ठीक है इसमें आपने इसको जस्ट इंसर्ट करना है तो 5 स्क्वायर माइनस h x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 h प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है आपने यानी एच को अकेला करना है तो पहले देखें 25 और 10 ऐड हो सकते हैं यस इट विल बी 35 माइनस 5 एच प्लस 35 इज इक्वल टू 0 अब ये जो 35 है सबसे पहले तो क्या करते हैं कि उस जो भी वेरिएबल जिस टर्म के साथ वेरिएबल हो बाकी सारे टर्म्स को यहाँ से हटाते हैं तो इस माइनस इस प्लस 35 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ पे लेके यहाँ लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा माइनस 35 के और मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब दोनों तरफ नेगेटिव हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सिंगल सिंगल टर्म है दोनों तरफ नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएंगे ज़्यादा टर्म्स भी हैं तो सबके साथ नेगेटिव होना ज़रूरी है फिर आप सारे साइंस पॉजिटिव कर दोगे और नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दोगे अच्छा ये तो हो गया अब उसके बाद देखिए h के साथ ये 5 कोफिशिएंट जो है ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 5 × 5 और ये होता है 7 × यानी h की वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो आ रही है h की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 7 सो दिस इज योर सोल्यूशन हेंस फाइंड द अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ओके अच्छा उसके बाद h की वैल्यू निकाल ली मैंने अब h की वैल्यू निकाल के मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है एंड देन दे आर आस्किंग एन अदर थिंग अब वो हम देखते हैं सर मैं आपको बताती हूँ h की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगी पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन a इसमें पुट करूँगी तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो x की वैल्यू आपको ख़ुद से कुछ भी बता दी अब वो कहते हैं कि ये आपके पास एक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करो और इसका इसकी फैक्टराइज करने के बाद जो x की वैल्यू निकलती है वो अदर सॉल्यूशन निकालो अब फैक्टराइज करना है इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से क्योंकि थ्री टर्म इक्वेशन है ठीक है दोनों एंड स्क्वायर भी नहीं है इट मीन्स यू नीड टू ब्रेक द मिडल टर्म और वही सम ऑफ नंबर्स sum of numbers should be equal to minus 7x and product of numbers should be equal to 10 times x square means 10x square के बराबर होना चाहिए अब आपने क्या करना है what I need to do I need to select a number different number select करते हैं यानी कि मुझे product करने के बाद 10 आना चाहिए तो एक तो हो सकता है 5 × 10 ठीक है यानी कि 5x और 2x multiply हो सकते हैं और क्या हो सकता है और हो सकता है आई थिंक यही नंबर है यानी कि 7 अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो 7 आता है ना लेकिन नेगेटिव 7 चाहिए इट मीन्स कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो माइनस 5x माइनस 2x 7x होता है ये होता है माइनस 7x अच्छा अब इसको और इसको दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 × 10 एक्स स्क्वायर यस दीज आर द नंबर्स तो अब आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस
2x प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस फाइव। यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ मैं माइनस टू, सही है, माइनस टू कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा इस टर्म का, यानी वो सिर्फ x बच जाएगा और इसका पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और टू कॉमन निकला तो फाइव से मल्टीप्लाई होता है, फाइव से जाना होता है, तो दिस इज़ द थिंग। अब ये एक टर्म आ गई है और एक ये टर्म आ गई है, ठीक है, इसमें से भी x माइनस फाइव कॉमन है, इसमें से भी x माइनस फाइव कॉमन है, यानी x माइनस फाइव में कॉमन निकाल लूँ तो इस टर्म के पास x बचता है और इस टर्म के पास माइनस टू बचता है। दिस इज माई फैक्टराइज फॉर्म विच इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है। अब क्या करना है, इस फैक्टर को भी ज़ीरो कैलकुलेट करना है और इस फैक्टर को भी ज़ीरो कैलकुलेट करना है। इसको जब मैं ज़ीरो कैलकुलेट करूँगी, यानी कि x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये माइनस फाइव वहाँ जाके प्लस फाइव हो जाएगा, x की वैल्यू फाइव आ जाएगी। सेकेंड x माइनस टू को इक्वलेट करूँगी ज़ीरो के, तो ये जो सॉरी x की वैल्यू माइनस टू है, ये जो टू है दैट्स टू x माइनस टू, ये जो टर्म है जब उस तरफ जाएगी तो प्लस टू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू दूसरी टू आ जाएगी। अदर सॉल्यूशन क्या है आपका, टू, फाइव तो ऑलरेडी गिवन भी था, सो दिस लाइक द अदर सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। और h की वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, होपफुली आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं भी कुछ मुझे समझ में आया यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।